अनुराग कश्यप की वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पर आई है सीक्रेट गेम्स पार्ट टू, उसको लेकर के अब नया विवाद खड़ा हो गया है। अकाली बीजेपी विधायक है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने इस बाबत केंद्र सरकार से शिकायत दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, उनसे बात करते हैं। सिरसा जी, किस मुद्दे को लेकर के आप नाराज़ हैं और किस मुद्दे को लेकर के आपने शिकायत दर्ज कराई है? देखो, ये जो एक नेटफ्लिक्स बनाई गई है सीक्रेट गेम्स, इसके अंदर एक बहुत आपत्तिजनक जो दृश्य हैं और जो ऑल टुगेदर उसकी भाषा है, दोनों का ही हमारा विरोध है। देखिए, एक जो सिख है वो पांच ककारों का धारणी होता है और उन ककारों में से ये कड़ा जो है ये हमारी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। सिख का ककार नहीं उतारा जा सकता, उसकी जान चले जाए पर अपने ककार नहीं उतरने देता, ये हमारी इस अपने इन ककारों के प्रति भावना है। ये कोई चीज़ जो हमें मिली है, ये कोई लोभ लालच में नहीं मिली, इसके लिए कुर्बानी देकर ये चीज़ें मिली हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इतना बड़ा अपना परिवार की कुर्बानी देकर हमें ये सिक्खी दी है। इस तरह की भावना और कड़े को उतार कर, अपनी सिक्खी को उतार कर को पानी में फेंके, ऐसा नलायक दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ कोई भी। सीक्रेट गेम्स के एक एपिसोड में यह सीन दर्शाया गया है सैफ अली खान, सैफ अली खान कड़ा उतारता है और गुस्से में, क्योंकि भगवान से वो नाराज उठा के उसको फेंकता है। एक इसके अलावा बहुत सारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया। हिंदू धर्म के जो उनके गुरु या उनके जो धार्मिक चिन्ह हैं या धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं उनके खिलाफ दबा कर उनको छाला गया है। मकसद क्या रहता है इन लोगों का, कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी करी जाए जिससे उनको माइलेज मिले, उनको फ्री की पब्लिसिटी मिले। ये एक कंसेप्ट ही शुरू हो चुका है पिछले लंबे समय से बॉलीवुड के अंदर। और ये जो लोग हैं पैसा बनाने के लिए किसी स्तर पर जा सकते हैं, चाहे इनको उड़ता पंजाब बनाना हो, चाहे इनको सिखों की भावनाएं हो, चाहे दूसरे धर्म की, ये किसी हद तक जाने को तैयार हैं। इसलिए ये हम नेटफ्लिक्स को बताना चाहते हैं, आपने उलझा गलत लोगों से उलझन की है। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते को हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करे। ये एक नेशनल मूवमेंट बनेगी और तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम, इसको तुम्हें बंद करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इसको हटाना पड़ेगा। आपने इस बाबत केंद्रीय मंत्री को भी आपने पत्र लिखा है? हमने आज प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र भी लिखकर और ये सारी जानकारी दी है और इमीडिएटली उनको इस पर एक्शन लेने को अपील की है। क्या लगता है सर, एक इसके पीछे जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल हुए जो आप बता रहे हैं, क्या इसके पीछे सोच लगती है? देखिए, मैं आज उस पर नहीं कोई प्रतिक्रिया करना चाहता, लेकिन है जरूर ये एक बहुत एक जो कहते हैं ना वेल प्लान स्ट्रेटजिक मूव है। उनको बहुत चीज़ों के साथ जोड़कर देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल केस है ये, चाहे वो देश के अंदर जो हालात बने हों। रणनीति क्या रहेगी आप लोग आगे का विचार क्या है? करा के छोड़ेंगे, चाहे हमें इसके पहले देशव्यापी मूवमेंट चलानी पड़े, लेकिन हम इसको चलने नहीं देंगे। महेंद्र सिंह सिरसा के साफ तौर पर ये कहते हुए कि नेटफ्लिक्स के अंदर जिस तरीके से दर्शाया गया है कि जो नायक है वो अपना हाथ का जो कड़ा है जो कि सिख धर्म में पवित्र माना जाता है उसको उतार करके फेंकता है, और भगवान जैसे जो तमाम जो शब्द हैं उनको लेकर के आपत्ति जता रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, धर्म के अपमान का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं देशव्यापी आंदोलन इस मुद्दे पर वो चलाएंगे।